యూపీలో నిన్నటి ఆందోళనలతో ఇవాళ సెక్యూరిటీ మరింత పెంచారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై ఆందోళనలు పెరుగుతుండటంతో యోగి సర్కార్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. ఇవాళ స్కూళ్లు కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించారు. యూపీలోని కొన్ని నగరాల్లో మొబైల్ ఇంటర్నెట్ బంద్ చేశారు. అటు గోరఖ్పూర్లో నిన్న జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలతో ఇవాళ 144 సెక్షన్ని విధించారు. జనం గుమికూడి ఉండొద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉదయం నుంచే బందోబస్తుని పెంచారు. कल जो है करीब 4 बजे के बाद एकदम शांत हो गया. हल्ला गुल्ला हुआ था कि दुकानें सब बंद कर दिया जाए और कोई ऐसी बात फिर नहीं हुआ. प्रशासन ने टाइट की, प्रशासन मतलब सही था और हैंडल कर लिए लोग. नहीं, अब तो शांतिपूर्वक स्थिति है. अब तो ऐसी कोई बात है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है. रोज़मर्रा का काम चल रहा है. हम लोग रोज़ जो काम धाम है वो चल रहा. अभी तो सुबह का टाइम है, दुकानें वगैरह बंद है, अपने टाइम से खुलेंगी. ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ का माहौल ठीक है. कल थोड़ा संबंध में डर हुआ था क्योंकि हमारे भाई कुशीनगर में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो वो वहाँ पे थे, मैं गोरखपुर में था. तो इस वजह से थोड़ा मन में डर का वो आया था क्योंकि टीवी में देखा हमने भी, तो टीवी में देखने पर लगा कि भाई माहौल गड़बड़ हो सकता है. तो इस वजह से हमने उनको फ़ोन किया, हालचाल पूछा, उनको बताया भी कि आराम से चले आना, थोड़ा जल्दी चले आना. लेकिन अभी तो सुबह से मैं निकला हूँ, बस स्टैंड गया हूँ, उनको छोड़ा हूँ. अभी तो पूरे